ये देखिए दोस्तों, ग्राउंड में ये जो पहाड़ है वो सुबह तो पूरा एकदम सफ़ेद था, और फिर इस टाइम देखिए बर्फ़ तो पिघल रहा है। और मैं छत पे, तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और देखिए अभी रात के टाइम था तो हल्का हल्का जो है बर्फबारी हो रही थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, हल्की हल्की जैसे लगती है। तो सुबह देखा तो एकदम पूरा चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद, और ये पेड़ पर तो जैसे लग रहा था कोई वाइट कलर का ये कोई फल लगा है। कुछ पेड़ पर तो जहाँ ज़्यादा पत्ते होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा, तो मुझे लगा जैसे कोई ये काटन का पेड़ लग रहा है, ऐसा हो गया था। और ये सीढ़ी पर दोस्तों भी बर्फ़ है, और इस पे चलने से इतनी तेज़ फिसलती है पैर, उत्तरी का सावधानी से चलना पड़ता है। तो सोचा दोस्तों आज मैं चलता हूँ बर्फबारी घूम करके, पूरा वीडियो बनाऊंगा आज, हर जगह बर्फ ही बर्फ सफ़ेद सफ़ेद। तो पहले मुझे जाना था ये देखिए मस्जिद में, और फिर मैं गया मस्जिद से और चढ़े से ऊपर से। तो मैंने यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन वो तो बंद था, क्योंकि सीढ़ी से नीचे बर्फ़ आता है इसलिए बंद कर रखा था। फिर मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं बना सका लेकिन बस थोड़ा सा बना सका। देखिए आप लोग चारों तरफ वाइट वाइट, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा आगे चल करके वीडियो बनाते हैं। और एक बात और है दोस्तों, ये इस टाइम जो बर्फ़ गिरता है इस समय जानवर को भी बड़ी परेशानी होती है, बेचारे जाने के लिए कोई रहने के लिए जगह नहीं होता है, बस इधर उधर। एक तो ठंडी, काफ़ी सर्दी है, टेम्परेचर तो अक्सर माइनस में ही चला जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री -4 -5 तक पहुंचता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं बर्फ़ से खेलता हूँ और बर्फ़ का वीडियो बना करके डालता हूँ। तो दोस्तों एक बार देखिए फिर से पूरी कश्मीर सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक चुकी है, और कितना ही मनोरम और कितना ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा है चारों तरफ, जैसे लग रहा है कि मैं बर्फ़ की रेगिस्तान में आ चुका हूँ। और मौसम तो जब बर्फ़ ऐसे गिरता है तो मौसम उतना गर्म नहीं होता है, लेकिन जब बर्फ़ गिर करके थोड़ा पिघलने लगता है तो मौसम ओहो बहुत ही गलन होती है। तो इस टाइम देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं पहले से इनके पत्ते तो पहले ही झड़ जाते हैं, और इनके ऊपर जिन जो पौधे ये हैं हरा दिख रहा है इसके ऊपर जो जब बर्फ़ गिरता है गिरा रहता है तो जैसे लगता है एक काटन का ये पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे लगता है कोई सफ़ेद फल लगा हुआ है इसके ऊपर बड़ा सा जहाँ। और देखिए कितना ही ठंड, ओहो बर्फ़ से खेलने में कुछ अलग ही मज़ा आता है, लेकिन अब क्या करें मैं तो अकेला हूँ भाई, लेकिन बर्फ़ को उठा करके खेलने से क्या अलग ही मज़ा आता है, और उतना ठंडा नहीं लगता है। तो ऐसे ही अकेला था, और देखिए ये मेरे पीछे हर जगह सफ़ेद, और ये जो पहाड़ दिख रहा है इस पे तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ था सुबह पे, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम हल्का हल्का पिघल चुका है। और ये जो पहाड़ सब होती है सब पूरे वाइट, एकदम जैसे लगता है एकदम पूरा नमक का पहाड़ हो। और ये बच्चे देखिए कुछ खेल रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं बच्चे हैं ये बर्फ़ से खेलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, इससे बर्फ़ से चोट नहीं लगता है, ये होता है एकदम बहुत ही हल्का होती है, इसे चोट नहीं लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना प्यारा सा लग रहा है। मैं सोच रहा था और जगह पर जाऊं, ये देखिए कब्रिस्तान पर भी, और ये ऊपर चील काइट, कुछ चील मंडरा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया इन लोगों को, ऐसे ही घूमते टहलते हुए चारों तरफ कितना खूबसूरत सा लग रहा था। सोच रहे थे कहीं और जाने के लिए पर क्या करें अकेले थे इसलिए ऐसे ही थोड़ा सा बाहर का कहीं यहाँ का वहाँ का वीडियो बना करके मैंने सोचा डाल दूँ, एक यादगार पल बनी रहेगी कि मैं बर्फ़ के समय पे। और ये देखिए दोस्तों मैंने
छत से लिया वीडियो इसको। काफी अच्छा लग रहा था लेकिन ऊपर थोड़ा सर्दी लगी।